अगर धूप में रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप एक हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं प्लांट लवर। अर्चना गुप्ता फिर से आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारा सा वीडियो। आप देख रहे हैं ये जेट्रोपा का प्लांट है, ये मैं 2 साल पहले नर्सरी से लाकर लगाई थी, तो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। जेट्रोपा को बॉटल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसे रतन ज्योत कहा जाता है। इसमें रेड कलर के फूल आते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, इसमें सीड्स भी आते हैं। आप इस पौधे को सीड से या कटिंग से भी लगा सकते हैं। जेट्रोपा के लिए आप बड़ा या छोटा कोई भी गमला ले लें, उसमें ड्रेनेज के लिए 2-3 होल कर लें ताकि एक्स्ट्रा पानी आराम से निकल जाए। क्योंकि जेट्रोपा एक सक्यूलेंट प्लांट है तो आप इसके लिए मिट्टी ऐसी तैयार करें जो वेल ड्रेन हो। तो आप कोई भी गार्डन सोयल, बालू और वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पौधे को लगा दें। आप इसमें कोकोबीट भी डाल सकते हैं। ये एक सक्यूलेंट है तो इसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो आप इस पौधे में 2 से 3 दिन में पानी डालें तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। ओवर वाटरिंग ना करें वरना पौधा ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, आप इसे इंडोर या आउटडोर कहीं भी लगा सकते हैं तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। पर आप इसे अगर धूप में रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप 1 से 2 महीने में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, इससे आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा और हेल्दी रहेगा। इस प्लांट में कीड़े नहीं लगते हैं, फिर भी आप कभी कभी नीम ऑयल के कुछ बूंदे पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें तो कीड़े नहीं लगेंगे। इस प्लांट के पत्ते फूल बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है इस पौधे का तना और मोटा सा ट्रंक। इसके मोटे ट्रंक के कारण ये प्लांट बहुत ही सुंदर दिखता है। तो दोस्तों, लास्ट में आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये बातें हम सबको पता है कि हमारा पर्यावरण पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होते जा रहा है, तो हम सबको मिलकर एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में, अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण थोड़ा प्रदूषण मुक्त हो और सुरक्षित हो। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, धरती को स्वर्ग सा सुंदर बनाओ। तो दोस्तों, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड टिल देन बाय बाय।